आज का ये मेरे वीडियो में TVS जुप मेरा जो TVS जुप में नया वाला जो TVS जुपिटर ZX है, नया TVS जुपिटर ZX है BS6। ये स्कूटर मेरा ऑलरेडी 20 दिन हो गया और 500 किलोमीटर के ऊपर मैं चला लिया। तो लास्ट वाला मेरा जो था स्कूटर वो हीरो मैस्ट्रो, उसका और इसका क्या डिफरेंस है, नॉर्मल बेसिक जो डिफरेंस है मैं इस वीडियो में मैं बोलूँगा, और उससे ज़्यादा इसका कौन सा चीज़ मुझे अच्छा लगा वो मैं बोलूँगा। कंफर्टेबल के बारे में बोलने जाऊँगा तो मेरा जो हीरो मैस्ट्रो था उससे अच्छा है ये वाला TVS जुपिटर का। इसका कुशनिंग जो है बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्ट आऊँगा मैं इसका डबल स्टैंड। ये डबल स्टैंड है इस टाइप का, बहुत ही इजी है, इजी यूज़ करने में इजीली डबल स्टैंड हो जाएगा। उसके बाद ये वाला इस फुट स्टैंड, नेक्स्ट इनबिल्ड ही आता है नया से, ये अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। मैस्ट्रो में ये वाला पार्ट नहीं था, अलग से लगाना होता था। और साइड स्टैंड भी ये नया सी आया है हीरो मैस्ट्रो में, मेरा अलग से लगाना पड़ा था। ये वाला जो पार्ट फ्यूल टैंक का और सीट का, ये जो हीरो मैस्ट्रो था तो कम से कम मैं 4 साल उसको यूज़ किया, तो उस वाला स्कूटर में मैं यूज़ टू हो गया था, क्योंकि वो वाला एक की से ही यहाँ से ही वाला हीरो मैस्ट्रो का यहाँ से ही पूरा सब कुछ ऑपरेट होता था, जैसे सीट का हो गया, फ्यूल टैंक का हो गया, सब यहाँ से ही ऑपरेट होता था। मगर यहाँ पे इस वाला जुपिटर में ये अलग से यहाँ से करना पड़ेगा। और ये वाला पार्ट अच्छा है क्योंकि वाटर बोतल लगने में ईजी रहेगा। ये भी अच्छा है, ये चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट USB चार्जिंग पोर्ट हीरो मैस्ट्रो में भी था मगर वो सीट के अंदर था। और क्या बोलूँ, हाँ अभी बॉडी में आऊँगा तो मैं, जैसे हीरो मैस्ट्रो में पूरा बॉडी फाइबर का था, हीरो मैस्ट्रो में जो भी पार्ट आप यहाँ पे जो भी कलर वाला दिख रहा है ब्लू वाला, सेम मेरा हीरो मैस्ट्रो भी ब्लू वाला ही था। जो भी पार्ट था हीरो मैस्ट्रो का सब पूरा फाइबर का था, प्लास्टिक का था पूरा। इसमें कुछ कुछ जगह में प्लास्टिक और कुछ कुछ जगह में मेटल यूज हुआ है, जैसे ये वाला प्लास्टिक है, ये वाला मेटल, ये वाला भी प्लास्टिक, ये वाला मेटल, ये वाला मेटल और ये वाला प्लास्टिक। और यहाँ पे हेडलाइट में बोलूँगा तो हेडलाइट यहाँ पे LED यूज़ हुआ है, और मैं एक 20 दिन के अंदर मैं 2-3 बार मैं रात को मैं स्कूटर लेके निकला था, इसका लाइट स्कूटर वाइज अच्छा है, रात को चलाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर हीरो मैस्ट्रो में मेरा बहुत प्रॉब्लम होता था, रात उसका हेडलाइट उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे घड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे ओडोमीटर, यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है, जैसे टोटल किलोमीटर कितना दिखा रहा है, ये ट्रिप मीटर भी है, तो कैमरा में दिख नहीं रहा है मालूम नहीं। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जो मीटर सिस्टम है यहाँ पे डिजिटल एंड एनालॉग दोनों टाइप का है, ये डिजिटल हो गया, ये एनालॉग हो गया। और यहाँ पे है स्टार्टिंग वाला स्विच, हॉर्न स्विच और इंडिकेटर स्विच एंड हेडलाइट का अपर डिपार्ट एंड पासिंग स्विच। और यहाँ पे एक ये स्कूटर में कोई चोक का स्विच नहीं है, चोक नहीं है। मेरा भी नंबर प्लेट हुआ नहीं अभी तक, मगर नंबर मुझे मिल गया, जैसे जुगाड़ टाइप का मैं प्रिंट आउट करके तार से लगा के रखा है। अभी पूजा का टाइम है इसलिए प्रॉब्लम देरी हो रहा है उसको। यार अभी टायर के बारे में बोलूँगा, टायर तो यहाँ पे ट्यूबलेस टायर है और ब्रेक तो नॉर्मल ब्रेक, इस ब्रेक नहीं है। ओवरऑल इस स्कूटर के बारे में मैं बोलूँगा, जो 20 दिन चलाने के बाद मैं बोलूँगा, तो मेरा हीरो मैस्ट्रो से
मुझे अच्छा लगा। फिर भी मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि हीरो मैस्ट्रो में कम से कम 4 साल पहले लिया था, 4 साल पहले उसमें 2016 का गाड़ी था मेरा, इसलिए 4 साल में बहुत ही 4 साल में बहुत कुछ चेंज होता है। उसी हिसाब से बोलने जाऊँगा तो उस टाइम हीरो मैस्ट्रो मुझे अच्छा लगा था, पुलखे में लिया था। उस टाइम TVS जुपिटर उतना पॉपुलर नहीं था। अभी हिसाब से देखने जाऊँगा तो एक्टिवा और जुपिटर बहुत ही पॉपुलर स्कूटर्स मेरा ऑप्शन में दो ही था, TVS जुपिटर था और होंडा एक्टिवा था। होंडा एक्टिवा शायद से कोलकाता ऑन रोड प्राइस जुपिटर से थोड़ा सा सस्ता है, ठीक से पता नहीं मेरे को जुपिटर दोनों ही मेरा ऑप्शन में था। दोनों ही अच्छा स्कूटर है अपना अपना सेगमेंट में। फाइनेंस में लिया मैं, और मेरा जो पुराना जो हीरो मैस्ट्रो था वो एक्सचेंज करके ये वाला स्कूटर लिया मैं। उसका जो एक्सचेंज प्राइस था वो मेन प्राइस से टोटल प्राइस से माइनस होके बाकी का जो अमाउंट है वो मैं फाइनेंस किया। तो और एक में वीडियो में थोड़ा एक्सचेंज का क्या प्रोसीड्योर है और फाइनेंस का क्या प्रोसीड्योर है उस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो इतना तक ही है। थैंक यू।